गंगा नदी भारत के सबसे प्राचीनतम नदी। कहते हैं इसमें डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या ये अंधविश्वास है या साइंस भी इसे मानते हैं? ऐसा माना जाता है कि गंगा का पानी और किसी भी पानी में मिलाया जाए तो वो पानी भी शुद्ध यानी प्यूरिफाई हो जाता है। 1927 में गंगा के पानी में कुछ डेड बॉडीज यानी शव पाए गए थे जो कि कोलेरा और डिसेंट्री के कीटाणु से इन्फेक्टेड थे। उसके बाद फ्रांस के साइंटिस्ट फिलिप्स ने पाया कि उन डेड बॉडीज के कुछ ही नीचे जहां पर मिलियंस कीटाणु होने चाहिए थे वहां एक भी कीटाणु नहीं था। आखिर गंगा के पानी में ऐसा क्या था जो कीटाणु यानी जर्म्स को खत्म कर देता है? इसकी खोज भी फिलिप्स ने ही लगाई। फिलिप्स ने जब गंगा के पानी के ऊपर रिसर्च किया तो पाया कि गंगा के वातावरण में बैक्टेरियोफेज नाम के एक गुड वायरस मिलते हैं जो कि बैक्टीरिया का खत्मा कर देता है। ये वायरस अपने आप बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है और बहुत जल्दी ऐसे जर्म्स का सफाया कर देता है और इस बैक्टेरियोफेज की वजह से गंगा के पानी हमेशा शुद्ध रहता है।